हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे अभी अभी लैंड किए हैं तो हेलो, लाल बटन दबा दें। आज मेरी बेटी की है ग्रेजुएशन सेरेमनी। नहीं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हो रही, डे केयर से ग्रेजुएट हो रही है। और माशाल्लाह उसके 3.5 ईयर कंप्लीट हुए हैं। आज मैं बहुत इमोशनल भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ, तो अगर मैं रोना शुरू कर दूँ तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा। इमोशनल इस बात पे कि मतलब एक दौर ख़त्म हो रहा है और नया दौर स्टार्ट होगा, तो थोड़ी सी मुझे हो रहा है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। और वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह हैं, हमने उनके लिए जो है गिफ्ट्स वगैरह लिए हैं। ओके, तो ये मेरा आउटफिट है आज का इस बेल्ट के साथ, और ये है मेरा मेकअप, ये है शूज, ब्लिंग ब्लिंग ब्लिंग। ओके, सो लेट्स गेट रेडी। ओके, ये मेरी मेकअप लुक है, मैं अभी अभी बिल्कुल तैयार हुई थी, और ये मैंने ड्रेस पहना है आज। अगर आपको मेरे मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसमें सारे लिंक्स मैंने दे दिए हैं, आप ये स्टाइल से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ये जाहिद लेकर आए थे दोस्त जोर से केक्स वगैरह, और ये है वॉलनट पाई, और ये है रसबेरी सैंड पेपर, और ये लेटर लिखा है हमने। सोम इंटरेस्टेड हो रही है, हेलो सोम। इंग्लिश लिखा था तो किसी कोरियन से ट्रांसलेट करवा के जाहिद लेकर आए हैं, तो बस ये है हमारी तरफ से टीचर्स के लिए। जाहिद अभी रेडी हो रहे हैं और मैं अभी रेडी हो गई थी जल्दी से, मैंने कहा मैं व्लॉग बना लूं पहले और वहां जाकर मैं भी वीडियोस बनाऊंगी। मैं देखूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उर्वा की कुछ वीडियोस वगैरह बनाऊंगी। ओके, तो जब तक जाहिद रेडी होते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा उर्वा की टेक केयर के बारे में बताती हूँ कि इसका एडमिशन कब हुआ था। जब उर्वा 6 महीने की हो गई थी तो हम लोगों ने इसका टेक केयर वगैरह ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, बल्कि 4 मंथ से स्टार्ट कर दिया था, और 6 मंथ्स की हुई थी तो हमने इसका एडमिशन करवा दिया था, क्योंकि मैं PhD कर रही थी और मैंने अपनी PhD से 6 मंथ्स का सेमेस्टर ऑफ करके ब्रेक ली हुई थी, तो मैं अब इतना लंबा ब्रेक ले नहीं सकती थी, वरना 2 सेमेस्टर का गैप हो जाता और मेरी रिसर्च भी पेंडिंग थी, मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी थे। तो उर्वा को मतलब 6 मंथ्स तो मैंने देखा था, उसके बाद हमने इसको टेक केयर भेजना शुरू कर दिया था, तो टेक केयर वगैरह की हमने जाके सारी बहुत अपनी सेटिस्फेक्शन की थी। आज पहला दिन है उसका, 5 महीने और 20 दिन हो गए हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर डाल दूंगी कि फर्स्ट डे जब हम लोग गए तो उर्वा बिल्कुल छोटी सी थी, वहाँ और भी बच्चे आए हुए थे, बहुत सारी मदर्स थी जो वर्किंग वूमेन थी, और कुछ उसमें शायद स्टूडेंट्स भी हों, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ फ्रेंड्स हैं लड़कियाँ जो कि और कंट्रीज से आई हुई हैं, उन लोगों ने भी अपने बच्चों को मतलब डे केयर्स भेजा है। तो सारी तसल्ली के बाद और सारा प्रोसेस वगैरह हम किस तरह से अप्लाई किया, सिंपल सा तरीका था, हमने बस वॉक इन, जिस डे केयर बस हम गए ना उस डे केयर वालों के पास एक सीट थी और उन्होंने उर्वा को रख लिया। लेकिन नॉर्मली ऐसा प्रोसेस नहीं होता, बहुत वेटिंग होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है अप्लाई करने में, और इनकी कोई वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू अप्लाई करना होता है, वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्च करके डाल दूंगी। इसकी मंथली फ़ीस होती थी 450K के अराउंड, मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी कि एग्जैक्टली कितनी थी। लेकिन जैसे जैसे उर्वा बड़ी होती गई तो अभी लास्ट ईयर से उन लोगों ने 4 o'clock तक डे केयर कर दिया था ड्यू टू कोविड, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा 2 आवर्स हैं उसकी वो फ़ीस हमसे लेते थे कि अगर 6 बजे पिक करेंगे तो फ़ीस डिफरेंट होगी, 5 बजे तो डिफरेंट, तो हम लोग 6 बजे पिक करते हैं और जो ऊपर नीचे टाइम होता है वो कैलकुलेट करके महीने के एंडिंग पे हमें बता देते हैं कि ये फाइनल अमाउंट है, कभी 60,000 होते हैं, कभी 80, कभी 70, तो वो एक रफ अमाउंट होती है जो हमें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। तो ये हो गया एडमिशन और उसकी फीस। इसके अलावा वहाँ पे प्ले एरियाज भी हैं, वहाँ पे वो बच्चों को बाहर भी लेके जाते हैं, मार्केट्स भी लेके जाते हैं। जब उर्वा छोटी सी थी ना तो इसको लाइक टीचर्स उठाते भी थे, इसको उठा के खिलाना विलाना सब कुछ करते थे, और बहुत ही काइंड टीचर्स हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं और एजिड होती हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, और उनके अपने बच्चे जो है ना वो 20s-30s की एज के होते हैं, तो मतलब अच्छी खासी एज की वुमेन होती हैं और यहाँ बहुत अच्छे केयर करते हैं बच्चों की। अच्छा, बहुत सारी ना आप लोगों के मुझे मैसेजेस भी आते हैं, ईमेल्स भी आती हैं कि ना डे केयर के बारे में उर्वा का बताएं, तो अगर कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, सेफ्टी के भी क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर डे केयर्स में ना CCTV कैमराज होते हैं और बहुत सेफ होते हैं, लेकिन अगर कोई एक आध टीचर अच्छी ना हो तो उसका मैं नहीं कह सकती किसी के अगर बैड एक्सपीरियंसिस हैं तो, लेकिन हम लोगों का एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, वी आर वेरी सेटिस्फाइड और हैप्पी कि उर्वा को ये डे केयर मिला है। और ये डे केयर जो था अपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं, उन पे बाहर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कलरफुल बना हुआ होते हैं ऐसे इमेजेस वगैरह, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस एरिया में डे केयर्स वगैरह हैं। इसके अलावा मतलब वो एक वेबसाइट पे ही सारे डे केयर्स की ना लिस्टिंग होती हैं गिवन। जाहिद बस अब तैयार हो गए हैं तो मैं जल्दी जल्दी इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, आपको डिटेल्स बताती हूँ। तो बहरहाल मैं उर्वा को शुरू में अपने कैरी करके जाती थी। उर्वा का आज डे केयर का पहला दिन है, उर्वा रेडी है,
मम्मा छोड़ने जा रही हैं। तस्वीरें वस्वीरें मैं स्क्रीन पर डालूंगी कि उरुवा को मैं इस तरह पहले कैरी करके जाती थी, फिर ये बड़ी होने लगी इसको मैं स्ट्रोलर में डाल के ले जाती थी। सर्दी हो गर्मी हो कोई भी हो ना, तो उसमें वो ओपन ही होता है डे केयर, बस सिर्फ सैटरडे और संडे क्लोज होते हैं, 5 डेज अ वीक होता है। इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 तक, लेकिन अगर आपके बच्चा छोटा है तो जाहिर मैं जल्दी से आने का थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। तो अगर आपका बच्चा छोटा है ना तो वो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम देते हैं कि 9 to 11 आप बच्चे को छोड़ दें, लेकिन 10 o'clock तक अब उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम छोड़ दें, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है ना तो उसको ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं। तो शुरू शुरू में तो बच्चों को बस वो जैसे छोटे मोटे बच्चे तस्वीरें में शो कर रही होंगी कि शुरू में तो बस रेटल टॉयज़ और डिफरेंट टॉयज़ और टच और इनकी सेंसेस को वो करवाते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना उसकी एक्टिविटी बढ़वाते हैं, उसको कलर्स के बारे में डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, उनको लैंग्वेजेस के बारे में बताते हैं डिफरेंट, कभी डो कटिंग करवा रहे हैं, कभी फ्रूट्स कटिंग करवा रहे हैं, कभी वेजिटेबल कटिंग करवा रहे हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं मज़ीद लाइक स्क्रीन पे और भी पिक्चर्स वगैरह दिखाऊंगी कि उर्वा ने लाइक अपने दौरे डे केयर में क्या क्या किया। तो काफ़ी यानी कि फ़न एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, प्लस लर्निंग भी करवाते हैं, और बच्चों की ना एजुकेशन वाइज भी होता है, प्लस मोरल जो इखलाकियात होती है ना वैल्यूज़ उनको भी सिखाते हैं, कैसे आपने अन्याय से वो करना है, सुबह आते हुए क्या करना है, जाते हुए क्या करना है, फिर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी सिखाते हैं। जैसे अभी आजकल उर्वा को उन्होंने ये भी सिखाया है कि घर जब मम्मा और बाबा थके हुए हों तो उनके टांगे दबानी है और कंधे दबाने हैं। इसको कभी भी किसी ने नहीं कहा कि तुम हमें टांगे दबाओ हमारा कुछ, तो एक दिन मैं थकी हुई बैठी हुई थी तो इसने ना आके मेरे कंधे दबाए कि अम्मा मैं हेल्प करूंगी, तो हमें पता चला कि अच्छा इसको ये भी पता है। वेल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डे केयर में सिखाते हैं, और हम अभी सोचते हैं कि ना अगर उर्वा को हमने डे केयर ना भेजा होता ना तो इसके साथ नाइंसाफ़ी होती, क्योंकि बच्चों के साथ जब बच्चे होते हैं ना तो खेलते भी ज़्यादा अच्छे हैं, लर्न भी ज़्यादा अच्छा करते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा अपना ये डिसीजन, हम बहुत सेटिस्फाइड अपने डिसीजन पे कि हमने उसको भेजा है डे केयर। बाकी पैसों के हिसाब से ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हम एज अ स्टूडेंट एक्सपेंसिव है, लेकिन जब जॉब पे आ जाते हैं तो फिर मतलब ठीक है कि जितना अर्न करते हैं उसमें गुजारा हो जाता है। अच्छा, आजकल उर्वा को इन्होंने अल्फाबेट्स राइटिंग वगैरह भी सिखाई है, ABC वगैरह भी राइटिंग करवा रहे हैं, अभी लाइक स्टार्ट ही करवाई थी कि URWA उर्वा का अपना नाम उसको लिखवाया है, और अपने इनके जो भी इवेंट्स होते हैं ना, सोलल हो गया, चूसक हो गया, उसके बारे में भी बताते हैं। तो अच्छा है कि उर्वा ने वहाँ पे डे केयर में कोरियन सीखी है, और घर आके हमारे साथ उर्दू भी बोलती है और कोरियन भी बोलती है, और इंग्लिश भी हम घर में उसे सिखा रहे हैं, बुक्स वगैरह पढ़ा रहे हैं। तो ये है जी सारी डिटेल्स इसके डे केयर की, और कोई भी डिटेल अगर मैं मिस कर दी या भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। चलें अब हम लोग चलते हैं उर्वा के डे केयर, लेट्स गो। ओके, उर्वा के डे केयर के पास आ गए हैं, अंदर जाके वैसे पता चलेगा कि वहाँ पे अलाउ करते हैं कैमरा के नहीं, क्योंकि और बच्चे हैं ना उनकी प्राइवेसी की वजह से ये लोग नहीं चाहते कि इस तरह कोई रिकॉर्डिंग करे, लेकिन मैं उनसे पूछूंगी पहले। ओके, तो ये है जी उर्वा का डे केयर, और ये इसके बाहर से नज़र आ रहा है, इस तरह बच्चे यहाँ पे अंदर होते हैं सारा दिन और खेलने वगैरह के लिए भी निकलते हैं ये लोग, और यहाँ पे सामने जो है ना बच्चों के वो बने हुए हैं प्ले ग्राउंड, और यहाँ पे बच्चों की स्ट्रोलर रखने की जगह है। तो जाइए चलें, कैसा फील करें जाइए आप? हाँ जी चलते हैं, मिक्स फीलिंग्स हैं, कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम। चलें लेट्स गो। यहाँ पे बच्चों की जो है ना पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं, ये है उर्वा, उर्वा के साथ हैं फ्रेंड्स, लेट्स गो इनसाइड। और ये हम लोग जो है ना उर्वा के अभी डे केयर में आए हुए हैं, और बच्चे सारे लाइनें लगा के बैठे हैं। उर्वा आते हैं, उर्वा बड़ी हो गई है, क्यों इतने लग रहे हैं उर्वा, हमें देख इतनी खुश हो रही थी।
गाइज, अभी हम उर्वा के डे केयर से निकले हैं। माशाल्लाह उर्वा ग्रेजुएट हो गई है, हम लोगों ने इसकी काफी वीडियोस वगैरह भी बनाई थी। थोड़े सैड भी हैं, खुश भी हैं। स्कूल जाना शुरू हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, अब नौकरी ढूंढेगी अपनी। उर्वा तो अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई हुई है, खुश हुई हुई है, इसको गिफ्ट मिले हैं। ये भी इसके सारे गिफ्ट हैं, डिग्रीज हैं। छुरा पैसा हो उर्वा को योगर्ट मिली है उर्वा। ये बंदी उर्वा को हमेशा ख्याल करती थी, रास्ते में हम लोग जाते थे ना तो उर्वा को योगर्ट देती थी, कभी ब्रेड दे रही है। उर्वा का भी अपने बताया कि उर्वा ग्रेजुएट हो गई, अब यहाँ से हम नहीं गुजरा करेंगे। चलो उर्वा अब जो है ना होतक बनवा रही है। उस बंदी से अभी हमने कहा है कि हमारे लिए ना होतक बनाओ, हम इससे फिर चीजें वीजें भी लेते रहते हैं। चलो उर्वा लास्ट टाइम आज मिल लेगी अपनी हरमनी से। इस तरह बनता है होतक कोरियन पैनकेक, अब इसको ये दबाएगी तो ये पैनकेक की शक्ल में बन जाएगी, बहुत ही मजे के लगते हैं। तो आई रिकमेंड कि अगर आपको भी कहीं मिले तो आप ये लाजमी इस तरह की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको भी ये इनकी बच्चों की ग्रेजुएशन देख के मज़ा आया होगा। ओके, कमेंट्स में आप मुझसे कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा और उर्वा के लिए दुआएं दे दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।